हर बार की तरह ये वीडियो एक बार फिर से, आखिर टीजीटी और पीजीटी का पेपर कब होगा, डेट कब आएगी, आयोग जो नया गठन हुआ है उसका क्या होगा, और पुराने आयोग ने जो फॉर्म भरवाया उसका क्या होगा, क्या हमारे फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, या फिर जो नया आयोग आएगा वो क्या नई पॉलिसी लेकर आता है, इस पर भी एक विचार करना चाहिए सभी को। वैसे सुनने में आ रहा है बहुत सारे चैनलों से ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि जो नया आयोग आए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि फॉर्म हमारे पुराने आयोग में है, नया आयोग हमारा पेपर कराएगा, कैसे कराएगा क्या पता, किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। कैसे बना रही है आप सभी को पता है, नया आयोग का गठन हुआ, अब इसको गठन होने में टाइम कितना लगेगा, फिर यही सदस्य वहां भी गठन होंगे वो भी ऐसे ही कार्य करेंगे जो ये कार्य सदस्य जो गठन कार्य कर रहा था, पिछला गठन जो 2021 में पेपर कराया इतना फास्टली मूड में कराया, फॉर्म आए, फॉर्म लोगों ने फॉर्म भरे, डेट एग्जाम डेट आए, एग्जाम हुआ, उसके बाद तुरंत उनका रिजल्ट सेलेक्शन, एक मतलब कि जिस तरह से होना चाहिए गवर्नमेंट को उसी तरह से इसने मतलब कि फास्टली मूड में इसको कार्य कराया, क्यों, क्या चुनाव था इस वजह से, ये आने वाला जो समय 2022 की जो भर्तियां हैं वो भी ऐसे ही होंगी, 2024 में जो चुनाव होगा तो उसमें जाके पेपर होगा, या 2023 के लास्ट तक पेपर होगा, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं ठीक है, उनकी दाल रोटी वो कैसे रूम में रह रहे हैं, कहाँ कैसे के एडजस्ट कर रहे हैं वो तो सिर्फ वो जान सकते हैं ठीक है, क्योंकि अभी तक ये था कि शायद जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि 8 महीने हो गए हमें यह देखते देखते कि पेपर कब होगा, आखिर हर जगह सर्च करते करते हमसे बच्चे पूछते हैं, सभी टीचरों से पूछते हैं, हालांकि बहुत जगह से पूछते हैं, आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकलता है, उत्तर हमें नहीं मिलता है, आखिर गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। अगर आपको नियुक्ति या पेपर नहीं करवाना है, साफ साफ मना कर दीजिए कि हम नहीं करवा पाएंगे, जाकर हम लोग जाएं अपने घरों में खेती करें, यहाँ के जो महिलाएं जो बहनें हमारी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर बेचारी पढ़ती हैं, रात रात भर जगती हैं, ना फैमिली की तरफ ध्यान जाता है, फैमिली वाले कहते हैं कि तुम करके क्या करोगी, इतना दिन हो गया है, बहुत कुछ सोचने को बहुत कुछ सुनने को मिलता है उनको भी, तो ये एक सोचने की बात है, आखिर गवर्नमेंट नया आयोग का गठन करके क्या परीक्षा को पारदर्शिता पूर्वक करवा लेगा, कभी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ही अधिकारी सारा गोल चक्र करते हैं। यूपीएसआई दरोगा की भर्ती आई थी उसमें भी आपने कहा कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, क्या हुआ, हुआ, मैं किसी और एग्जाम की बात नहीं करता हूं, आप लेखपाल की बात कर लो, 8,000 वैकेंसी आई थी जिसमें 16,000 बच्चे पकड़े गए, आयोग को बदलने से क्या हो जाएगा, क्या इसने 2021 में पेपर नहीं कराया, 2021 में कितना तेजी से फॉर्म कराया, कितनी तेजी से फॉर्म आए, पेपर हुआ, सिलेक्शन हुआ, बच्चों की नियुक्ति हो गई, अभी इसमें आप ये ड्रामा करोगे कि एक महीने बाद कोरोना आ गया, बहुत सारे आपके ड्रामे तैयार हो जाएंगे, भाई ये गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, जो बच्चे आंदोलन करने से, आप बोला कि 4 और 5 तारीख को आंदोलन होगा, आंदोलन बिल्कुल करना चाहिए ठीक है, हम भी पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम रोड पर उतरें, हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसाएं, आखिर यही करना चाहते हो, तो एक साफ साफ जब फॉर्म देते हो तो नीचे एक पॉइंट बना के डाल दिया करो कि हमें अपने मन मुताबिक हम एग्जाम कराएंगे, जब तुम लाठी डंडे खाओगे तुम्हारी बॉडी का पार्ट कुछ टूटेंगे ठीक है, तब हम पेपर करवाएंगे, या फिर कैसे करोगे, क्या हमें ट्विटर ट्रेंड करना चाहिए, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सुपर टेट की जो भर्ती थी 2022 में चुनाव से पहले बच्चे
डेढ़ महीने आयोग वहां लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते रहे, क्या हुआ? लाठी डंडे बरसाए गए, कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना है, कोरोना है, कोरोना हो जाएगा भीड़ से, तो तुम चुनाव में कराते हो तब कोरोना नहीं होता है। तो भर्तियां ही क्यों अटक रही हैं, बच्चों का भविष्य क्यों अटक रहा है, ये एक सोचने की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम लोगों के लिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस बात को लेकर, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, नया आयोग का क्या बदलेगा, क्या बदलाव होगा, सिर्फ नाम, अधिकारी तो वही रहेंगे, उसमें भी सदस्यों का गठन होगा, वो भी सॉल्व पेपर के लिए, पेपर बनाने के लिए टीचरों को हायर करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए संगठन का आयोग, सदस्यों का संगठन होगा, मतलब कि वो होगा। फिर इतना घुमाओ क्यों, तोड़ मटोड़ क्यों, इस बात का जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए साफ साफ कि आखिर वो करना क्या चाहती है। आयोग का नाम बदलने से क्या सब कुछ हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। आने वाला जो समय है बच्चों के लिए, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि जब ये आप 2022 की भर्ती 2023 में नहीं क्लियर करा पा रहे हो, 2022 में आपने नहीं क्लियर कराया, 2023 में अभी कुछ पता नहीं है, पेपर तुम कब कराओगे, एग्जाम डेट कब आएगी, पेपर कब कराओगे, रिजल्ट कब दोगे, उनकी नियुक्ति कब होगी, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद भी बच्चे नियुक्ति के लिए टहलते रहते हैं, कॉलेज वाले नियुक्ति नहीं करवाते, तो आखिर ये कब होगा? ये एक गंदी एक रणनीति है जो हम लोगों के साथ खेली जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि आप कान इधर से पकड़ो या इधर से, आपको कान ही पकड़ना है। तो नया आयोग का गठन क्यों? अगर यही करना था तो एग्जाम फॉर्म भराने के पहले आपको कर लेना चाहिए था, कि आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट थी, आपके ही अधिकारी थे, सब कुछ आपका था, सब कुछ आपका था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे इस गठन से, जो नया आयोग तुम लेकर आ रहे हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, पेपर कब होगा ये बताओ, क्योंकि अगर आप फरवरी नहीं करा पा रहे हो पेपर को, आगे से कहने लोगों कि WHO की जो रिपोर्ट आ रही है कि फरवरी तक कोविड आ जाएगा, प्रोटोकॉल आप लगा दोगे कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, जो एग्जाम पेपर होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, अगरा वगैरह 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 बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये सोचने की बात है, हालांकि आप सभी उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है, बहुत सारे सहपाठी धरने के लिए पहुंच रहे हैं, मैं भी पहुंचूंगा, ठीक है, इसका तोड़ यही है कि लाठी डंडे खाएं और जेल जाएं, उसके बाद तुम्हारा निर्णय आएगा कि हम सोचेंगे। क्या सोचोगे? सरकार बना रहे हो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? कब तक खिलवाड़ करते रहोगे आखिर? वैसे फरवरी में एग्जाम होना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि अभी जनवरी स्टार्टिंग है, अगर 10 तारीख तक आयोग का गठन होता है, 9 तारीख तक फैसला आएगा, 10 तारीख 11 तारीख का गठन हो जाएगा, मतलब कि सुनवाई का आगे प्रोसेस होगा, तो 20 तारीख तक गठन हो जाएगा। उसके बाद अगर उम्मीद है तो पिछली बार तरीके से फरवरी के लास्ट तक, लेकिन यूपी बोर्ड के पेपर आ जाएंगे, फिर समस्या कि स्कूल नहीं मिल रहे हमें, अपना पलड़ा झाड़ दोगे तुम, तो बहुत सोचने पर वो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कोर्ट का फैसला जब हाई कोर्ट का नहीं मानती है, तो इन्होंने संविधान अपनी जेब में ले रखा है, कुछ नहीं मानने वाले। भाई हम धरना देने जाएंगे, तुम लाठी चार्ज करोगे, फिर अपनी मनमानी करोगे कि गुंडा एक्ट लगा देंगे वगैरह वगैरह, तो हमारा भविष्य तो अंधकार में है ना। खैर, हम पेपर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि फरवरी में ना होकर ये जाएगा मई जून जुलाई में, उम्मीद यही है, ठीक है।
आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए पूरी तरह से, और बाकी के लिए आपके आर्ट क्लासेस पाठशाला पर ढेर सारी वीडियो आती रहती हैं, टॉपिक टू टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। और बात करेंगे तो कलाकारों के ऊपर क्लास चल रही है लगातार, ठीक है। सभी लोग जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोशिश यही है कि एग्जाम जल्द से जल्द हो, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए कि जैसे एग्जाम आपका कल ही हो। नमस्कार।